सब्सक्राइब कीजिए नेहा की पाकशाला चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा पांडे और स्वागत है आपका मेरी किचन नेहा की पाकशाला में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है पूरे देश में और घर से बाहर जाना बिल्कुल मना है, तो ये जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसे आप इजीली घर में रखी हुई चीजों से ही बना करके तैयार कर सकते हैं। और आप सबसे केवल ये एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी घर में रहें, खुद को और अपने घर वालों को सुरक्षित रखें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। तो चलिए हम ये नारियल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम मावे को भूनेंगे। तो ये मैंने 270 ग्राम मावा लिया है, इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और मावा अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि इससे घी भी छूटने लगा है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मावे को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। मावा बिल्कुल ठंडा हो गया है और ये देखिए मावे से कितना सारा घी रिलीज हुआ है, इसलिए इन लड्डुओं में अलग से घी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने 2.5 कप नारियल का बुरादा लिया है, इसको हम इसमें डालेंगे और पहले नारियल के बुरादे को मावे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है और अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है पूरे देश में, उसमें आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो अगर आपके पास जो सूखा वाला नारियल का गोला होता है वो है, तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सर जार में डालकर एकदम बारीक पीस लें और मावे में मिक्स करके आप उससे भी लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास नारियल का बुरादा भी नहीं है और ना ही नारियल का सूखा वाला गोला है, तो आप मावे में सिंपली पिसी हुई चीनी को मिक्स करें, साथ ही में थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें फ्लेवर के लिए। जो मिक्सर आपका तैयार होगा उससे आप मावे के लड्डू या फिर मावे के पेड़े बना करके तैयार कर सकते हैं। नारियल के बुरादे को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। ये मैंने 1.25 कप चीनी का बूरा लिया है, आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो लड्डू हम आज बना रहे हैं, इनको आप व्रत में या फिर किसी भी त्योहार पर बड़ी आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, झटपट बनकर के तैयार भी हो जाते हैं और 10 से 15 दिन तक आप इन लड्डुओं को फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और लड्डुओं का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा अलग से लिया है लड्डुओं को कोट करने के लिए। अब थोड़ा सा मिक्सचर हम इसमें से लेंगे और दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से प्रेस करते हुए इससे मीडियम साइज का लड्डू बना लेंगे। आप बड़े छोटे कैसे भी लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। एक लड्डू बन गया है तो इसको हम नारियल के बुरादे में इस तरीके से अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनकर के तैयार हुआ है। तो इसको हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना करके तैयार करेंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बनाने में भी बहुत आसान है और केवल 3 से 4 चीजों के साथ आप इनको बड़े आराम से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारे बहुत ही बढ़िया नारियल के लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। आप इस तरह से इन लड्डुओं को व्रत में या फिर किसी भी त्योहार पर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।